कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने डीजीआर न्यूज से विशेष चर्चा में कहा कि अब चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बीजेपी के घोटालों पर एक्शन नहीं लेने से मैं नाखुश था। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा से डीजीआर संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव होने और लगभग सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी। सर, क्या इस पूरे 28 सीटों पर आपका नज़रिया है? देखिए, मैं पूरे 28 सीटों पर एक पैनी नज़र से देख रहा था। जो तमाम कंप्लेंट्स आ रही थी उनको लेके मैं बार बार इलेक्शन कमीशन से मिला और बहुत सारी जगह इलेक्शन कमीशन ने हमारे कहने से अफसरों को हटाया भी, कई लिस्ट ट्रांसफ़र की, कैंसिल की, जिसके लिए मैं सुनील अरोड़ा जी का शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक निष्पक्ष चुनाव कराने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह से ये जिम्मेदारी निभाई जाएगी। जहाँ तक इस चुनाव के संबंध में बात है, मुझे तो बड़ा अप्रत्याशित चुनाव दिख रहा है। जिस प्रकार से चीज़ें अब दिख रही हैं, ये चुनाव एक नई दिशा पे जा रहा है। जो लोगों ने कांग्रेस और जिस कारण से छोड़ी थी और उनके बारे में जो प्रचार है, उसको लोगों ने शायद बहुत अच्छे से अच्छा नहीं समझा, और कांग्रेस के पक्ष में मेरे को एक अप्रत्याशित चुनाव दिख रहा है इस वक्त। सर, लेकिन सिंधिया जी का कहना कि कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार की रीतियां नीतियां जो थी वो जनता के अनुकूल नहीं थी, जिसके चलते उन्हें फैसला लेने लगा, आप कितने सहमत हैं उनके इस तरीके और इस बयान? नहीं, कमलनाथ जी मात्र 15 महीने तो सरकार में थे, अब 15 महीने में कितनी रीति नीतियाँ आप देख पाते। मगर शुद्ध की लड़ाई उन्होंने लड़ी, माफिया की लड़ाई उन्होंने लड़ी, और ये सब 15 महीने में की। तो अब तो ये जनता बताएगी 3 तारीख को कि जो कमलनाथ जी ने किया वो ठीक था, कि जो उन लोगों ने जो कांग्रेस छोड़ के गए उन्होंने जो किया वो ठीक था। और मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस के पक्ष में एक अप्रत्याशित चुनाव जा रहा है। सर, कमलनाथ जी के 15 साल के कार्यकाल पर कल बीडी शर्मा जी ने तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आपने भी विधानसभा चुनाव के पहले डंपर घोटाला, ई टेंडर घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, तमाम बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन सरकार में आने के बाद कहीं ना कहीं वो लड़ाई जो पूरी लड़ी गई थी वो पूरी तरीके से शिथिल पड़ गई। क्या अब सरकार में आने के बाद ये सभी जो मसले जिसको लेकर कांग्रेस 2018 में सरकार में आई थी फिर से दिखाई देंगे? ये आपकी बात सच है कि कांग्रेस को जिस प्रकार से इन बातों को उस वक्त आगे लाना था वो कांग्रेस ने नहीं किया, और जिसको लेके मैं कांग्रेस की लीडरशिप से निराश था। क्योंकि मैं निराश इसलिए था कि हमने जब चुनाव लड़ा था तो बीजेपी के इन करप्शन के मुद्दों को हमने एक अहम मुद्दा बनाया था, चाहे व्यापम हो, चाहे ई टेंडरिंग हो, और इतने सारे जो घोटाले हुए थे 15 महीने में, हमको जो करना चाहिए था और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को करना चाहिए था वो हमको दिखा नहीं। तो मुझे भी उस बात की निराशा है। मगर अगर जैसा हमको प्रतीत हो रहा है कांग्रेस लौटेगी, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह होगा कि जो जो चीज़ें आपने उस वक्त स्टार्ट नहीं की या कंप्लीट नहीं की उसको अब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सर, डंपर घोटाले की लड़ाई आप सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, तब उस वक्त माननीय न्यायाधीश ने कहा था कि चुनाव के बाद इस मसले को देखेंगे। ऐसा चुनाव के बाद आप लेकर आइएगा पूरे मामले को, फिलहाल चुनाव है। जब डंपर घोटाले देखिए, जो भी मुद्दे होंगे और जो भी इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे होंगे उनको निष्पक्षता के साथ कांग्रेस को आगे लाना चाहिए और लाना पड़ेगा इस चुनाव के बाद। आप कितनी सीटों पर दावा करेंगे सर कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं दावा करने में विश्वास नहीं करता हूँ, मगर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि 20 के ऊपर हमारा आंकड़ा होगा, और इस चुनाव के बाद बीजेपी में जो चेंजेस आएंगे
वो भी आपके सामने आएंगे। सर एक बार फिर बिहार चुनाव है, मध्य प्रदेश में लगभग विधानसभा चुनाव ही माना जा रहा है इस पूरे 28 सीटों को, और फिर पाकिस्तान और चीन की बात शुरू हो गई है। पाकिस्तान के सांसद ने जिस तरीके से बयान दिया उस पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर सवाल उठाए कि यही वो कांग्रेस लीडर है, खासतौर पर दिग्विजय सिंह जी जो पुलवामा अटैक पर सवाल उठाया करते थे। आज सुबह कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस की ये जो कार्यशैली है, राजनीतिक कार्यशैली, कहीं ना कहीं ये सेना का मनोबल कम करती है। मैं इस पर उनसे एग्री नहीं करता हूँ। कांग्रेस सेना के साथ थी, है और रहेगी। भारत का संविधान और भारत की जो आज व्यू रचना है, ये कांग्रेस का संघर्ष का ही परिणाम है। तो जो पार्टी जिसने भारत जैसे देश को स्थापित किया एक बड़े संघर्ष के बाद, आप क्या सोचते हो कि वो ऐसा कोई कार्य करेगी जिससे सेना का मनोबल गिरे? बिल्कुल नहीं। हम सेना के साथ थे, हैं और रहेंगे। सर क्या सिंधिया जी बीजेपी में सेट हो गए? क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जी का कहना था कि अभी थोड़ा समय लगेगा उन्हें घुलने मिलने में पार्टी के नीचे। अब ये बात तो आप बीजेपी से पूछिए और सिंधिया जी से पूछिए, उनके बारे में मैं क्या बोलूं? चुनाव आयोग से संतुष्ट है सर फिलहाल, जिस तरह की निष्पक्षता मान रहे हैं आपकी हो रही है प्रक्रिया या फिर? देखिए, हम कई बार चुनाव आयोग के समक्ष गए और हमने कई मेमोरेंडम्स दिए। मैं इतना आपको बोल सकता हूँ कि सुनील अरोरा जी जो CEC हैं और आयोग पे, मुझे व्यक्तिगत तो भरोसा है, इसलिए कि जब कभी भी मैंने उनको समझदारी की बात और उचित बात बताई है उस पर मुझे कार्रवाई दिखी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी, 20 से अधिक सीटों का दावा किया है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक नाखुशी भी व्यक्त की है कि जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उठाए थे, सरकार आने के बाद उन मसलों पर कहीं ना कहीं पार्टी शिथिल हो गई थी। कैमरा पर्सन नीलेश कलोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNA News, इंदौर।